आज के मार्केट ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और आज की एक्सपायरी बहुत ज्यादा अच्छी गई थी। हम लोगों ने कल ये डिस्कशन करा था कि मार्केट ने एक टर्न अराउंड ले लिया है। हम लोगों ने एक पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करा था ना कि नीचे से एक बाइंग आ रही थी, नीचे एक विक बनी थी और एक ऊपर विक बनी थी मंडे और ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन पे, और वेडनेसडे पे हम लोगों ने एक बाइंग देखी थी। तो हमने डिस्कशन निकाला था कि मार्केट ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे सकती है और एक ऊपर अच्छी मूवमेंट आएगी। हुआ क्या एक्चुअल में, मार्केट ने और अच्छा सरप्राइज करा जब हम लोगों ने देखा था कि डाउ जोन्स और यूएस की मार्केट ने एक हेवी फॉल करा था कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर और हमारी मार्केट नीचे खुलने की तैयारी कर रही थी, बट एक्चुअल में हमारी मार्केट उल्टा गैप अप खुली और वहां पर जो भी यूएस का फॉल था उसको इसने निगलेक्ट करा और हमारी मार्केट हमारे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, हमारे ट्रेंड के थ्रू ही कंटिन्यू करे और ऊपर जाके क्लोजिंग दी और हमारे टारगेट्स बहुत ज्यादा अच्छे से अचीव हुए थे। मैंने मतलब मार्केट के अंदर मैं अभी टाइम से ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, एक दो दिन से मैं मतलब हफ्ता हो गया मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मार्केट के अंदर, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आज ट्रेड लेकर अच्छा लगा। तो यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो डेफिनेटली एक टर्न अराउंड चेंज हो चुका है। हम बात करें तो बैंक निफ्टी एक छोटे से माइनर रेजिस्टेंस पे है, बट निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हमारे बात करी थी कि जैसी वो लेवल जो एक रेंज हमने बनाई थी वो ब्रेकआउट देगी तो हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। आज टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया है HDFC बैंक, उसको आप बाय कर सकते हो एज अ स्विंग ट्रेड। उस पर एक्जैक्टली सेम पैटर्न का स्ट्रक्चर बना था जो निफ्टी के अंदर बना था और एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। सो मैं अभी आपको इसके वीडियो के अंदर ही दिखा दूंगा और स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। सो आई थिंक हमारे आज का वीक अच्छा गया था, ये हफ्ता हमारा अच्छा गया है। मैं सैटरडे को आप लोगों के सामने आज संडे को आपके सामने एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पर कैसे आप 1% ट्रेडर बन सकते हो। 99% ट्रेडर जो पैसा लूज करते हैं, ऐसे तीन कारण जिसकी वजह से वो लोग पैसा लूज करते हैं। डेफिनेटली गाइस वो एग्जैक्टली वो तीन कारण होने वाले हैं जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताएगा। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर और आगे की फर्दर डिस्कशन बाद में करते हैं। हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है ICICI प्रू। ICICI प्रू में बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, मुझे एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है एक पर्टिकुलर स्टॉक एक टर्न अराउंड हो सकता है। सबसे पहले एक रीजन की बात करते हैं, थोड़े दो तीन पॉइंट्स हैं जो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे एंड वीडियो को और हल्का या टाइम कम टाइम पे रखने की कोशिश करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है। आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस लेवल से एक रिट्रेसमेंट आया एंड फाइनली इट ने इस ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट और एक कंटिन्यू ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ था। उसके बाद क्या हुआ, इसने अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे इसने एक विक क्रिएट करी, एक हैमर बैंडर कैंडल स्टिक पैटर्न क्रिएट करा और वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। लगातार तीन दिन कंटिन्यूस रिकवरी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये रहा बॉटम और ये रहा टॉप। सो मैं बॉटम से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को पता चलता है एग्जैक्टली इसने जो लो मारा है वो अपना 50% एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि जो ये पूरा अपमूव थी इस अपमूव का 50% तक ये फॉल कर रहा है, वहां से दोबारा रिवर्स कर रहा है। सो हम इस पर्टिकुलर फॉल को एज अ रिट्रेसमेंट टर्म लेकर चल सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने स्टॉक को सिलेक्ट करा है, आप देखेंगे इसने अंदर एक पैटर्न डेवलप करा है जिस पैटर्न को हम लोग कहते हैं AB=CD पैटर्न। अब ये जो फॉल है, ये वाला जो आप ऊपर से फॉल देख रहे हैं, यहां तक फॉल आया था, इस फॉल आने के बाद इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद एक दोबारा फॉल आया, ठीक है। तो ये एक AB=CD पैटर्न हुआ, मतलब ये ए और ये बी, ये देख रहे हैं टोटल ये जो फॉल आया इस पूरे फॉल और ये जो फॉल आया एग्जैक्टली सेम होगा। देखिएगा ये देख रहे हैं ये जो फॉल था और ये वाला फॉल है एग्जैक्टली सेम है, तो यानी कि AB=CD पैटर्न होता है और ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर हम बात करूं इस रिवर्सल पैटर्न का टारगेट क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम का 50% हम मान के चलते हैं कि 50-61% तक ये स्टॉक जाने की प्रोबेबिलिटी लगता है। सो अभी राइट नाउ द प्राइस इज 608-609। हो सकता है लगातार तीन दिन की अपमूव देने के बाद शायद ये कल एक छोटी सी बियरिश कैंडल बना दे या फिर एक साइडवेज कैंडल बना दे या फिर एक डोजी बना दे, बट आप लोग कल भी बाय कर सकते हो। अगर छोटी मोटी गिरावट दिख रही होगी तो आप तभी भी इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो। स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ 590 का रखना, 589 रुपीज का रखना। टारगेट आपको 645-660 तक के देखने को ये स्टॉक दिखा सकता है। वॉचलिस्ट के अंदर स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। ये दोनों स्टॉक है ICICI प्रू और HDFC बैंक, ये जो दोनों मैंने पर्सनली एज अ स्विंग ट्रेड बाय करे हुए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने स्टॉक मार्केट पे कुछ बाय करा है, वरना अभी मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, मैं उसी पे जनरली रेगुलर बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ। सो क्रिप्टो मार्केट में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग चल रही है गाइज, मतलब मैंने
स्टार्टिंग करी थी फ्यूचर्स के अंदर, मतलब फ्यूचर्स पे मैंने पहली बार स्टार्ट करा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर. सो मैंने आई स्टार्टेड विद $220 और मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ विद इन अ 4 डे स्पैन पीरियड 5x. द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इट्स 5 times द करंट प्राइस इज माई 5 times. सो 5 गुना मैं अपने प्राइस को कर चुका हूँ जो मैंने इन्वेस्ट करा था. अभी तक बहुत अच्छी ट्रेडिंग चल रही है. मैं जर्नल आज से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर. मैं स्टॉक्स के अंदर तो जर्नली बनाता हूँ, क्रिप्टो के अंदर मैंने एक एक्सेल शीट बनाई जिसमें मैं अपना स्टार्ट करूंगा जर्नल बनाना, और वो मेरे लिए एक बेस्ट चीज है. अब बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इस पे भी सेम तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ और इसके अंदर भी बहुत बढ़िया चीज है. मैंने दोनों को बाय करा हुआ है. रीजन बता देता हूं. सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को दिख रही होगी. ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, इस पर्टिकुलर लाइन पे सप्लाई डिमांड जोन के अंदर हम लोगों ने देखा कि स्टॉक ने मल्टीपल रीटेस्ट ले रखे हैं. मल्टीपल रीटेस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे. एग्जैक्टली इस रीटेस्ट लेने के बाद आप देखेंगे इसने एग्जैक्टली एक हैमर कैंडल बनाई, सेम स्ट्रक्चर जो पहले फॉलो हुआ था. इस हैमर कैंडल बनाने के बाद इसने एक अपमूव देना स्टार्ट करी. बट अब आप यहाँ पर एक चीज को कॉमन समझ रहे होंगे, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज देखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर सेम स्ट्रक्चर बनाता हूं. मैं अभी दोबारा दिखाता हूं. देख रहे हैं ये वाली जो कैंडल थी यहाँ पर विक नीचे की तरफ से ऊपर आई है, और यहाँ पर जो अगली दिन वाली कैंडल थी वहां पर विक ऊपर से नीचे आई है. यानी कि ये जो रेंज है, मैं आप लोगों के सामने एक रेंज बना देता हूँ. ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट है तब तक कोई ट्रेड नहीं है. बट अगर रेंज का ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा, और अगर नीचे देता है तो और सिनेरियो चेंज हो जाएगा. तो राइट नाउ अगर आप चेक करेंगे तो ये अभी एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस और अपने हायर लेवल पे, और देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है. हो सकता है कल सस्टेन करे और परसों के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दे, बट आप इसे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं. इसने एक अच्छी मूवमेंट दी है. दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने अपने पहले स्टॉप पे बात करी AB=CD पैटर्न, तो ये जो फॉल आया, ये फॉल आने के बाद ये छोटा सा पुल बैक लिया और ये फॉल आया, ये भी AB=CD पैटर्न है गाइस. आप खुद जाके चेक करिएगा, आपका होमवर्क है. इसके अलावा इसने एक पैटर्न और डेवलप करा. ये इस लेवल से एक बाइंग आई थी, ये रहा टॉप. मैंने फिबोनाची बना दिया. फिबोनाची का बेस कहां पर है, जहां इसने सपोर्ट लिया 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे, और इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश साइफर पैटर्न. ये एक बुलिश साइफर पैटर्न होता है, एंड इस बुलिश साइफर पैटर्न के अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि यहां पर एक अच्छी बाइंग आती है अगर ये 78.6% से ऊपर जाता है. सो ये थे कुछ सिनेरियो, इस बेसिस पे हम लोग अपनी एनालिसिस को कर रहे हैं. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग ये स्टॉक भी आने वाले टाइम पे दिखा सकता है. दोनों स्टॉक्स को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेगा. तीसरा स्टॉक मेरा MFSL है, जो मैंने आप लोगों को कल दिया था. आज ब्रेकआउट नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली परसों कल सेशन में ब्रेकआउट दे सकता है. तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उस चीज को भी. सो मेरा तीसरा स्टॉक भी आ चुका है, MFSL है. एंड क्लियरली मैंने कल भी आप लोगों को बताया था इस रेंज का ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आज इसने एक हॉल्ट कैंडल बना दिया है, पॉज कैंडल थी. अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे इसके ऊपर निकलता है या फिर किस लेवल के ऊपर 968-970 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग इसके अंदर आ सकती है, और ये वहां से 20-30 पॉइंट्स की भी रैली दे सकता है. स्टॉक मैंने ऑलरेडी कल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं. पुरानी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. सो अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके अंदर क्या सिनेरियो आ रहा है, कहां पर बैंक निफ्टी छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और निफ्टी ने कहां ब्रेकआउट दे दिया. ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, बट उसको चेक नहीं करेंगे बिकॉज आज थर्सडे की एक्सपायरी थी, तो सब लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई होगी, तो ओपन इंटरेस्ट के डाटा में हम कुछ खास देखने को मिलने नहीं वाला. उससे बाद टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के बाद हम लोग अपनी वीडियो को एंड कर देंगे. वीडियो पसंद आ रही तो गाइज लाइक जरूर करेगा, शेयर जितना कर सकते हैं करिए, और प्लीज डू कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोगों को हमारी एनालिसिस के थ्रू कुछ अर्निंग हो रही है या आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं. चलते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे. सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया. क्लियरली हमने जो कल बात करी थी और 3-4 दिन से बात कर रहे थे, सेम जो अभी HDFC बैंक के अंदर हुआ था ना, कि नीचे से एक विक में रिकवरी आई और सेकेंड डे ऊपर से विक के अंदर एक गिरावट आई, तो ये एक पैटर्न बना था. आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, और हम लोगों ने कल ही बोल दिया था कि मार्केट पे आपको बाय करना है, लॉन्ग जाना है, बिकॉज ये टर्न अराउंड ये ट्रेंड बता गया था. वेडनेस देखा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया. एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, ये गैप देख रहे ना, इस गैप को फिल करने वाला. सो अगर इसके ऊपर निकल जाता है, और एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस भी वही है, तो अगर कल 17,430 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग मान के चल सकते हैं 17,600 रुपीज का, जो इजिली आ सकता है. So, मेरे हिसाब से एक बाइंग आ चुकी है, रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है, तो आफ्टर कंसोलिडेशन एक ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर कल भी ब्रेकआउट ये दे सकता है. निफ्टी बाय सेटअप पे आ चुका है, बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो कल बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता तो उसके अंदर और ज्यादा बड़ी मूवमेंट आ सकती है. एक बार स्टडी करते हैं उसको भी. सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया मैंने, सिंपल देखिए यहां पर भी यही है, नीचे से एक विक के अंदर रिकवरी आई और एक ऊपर से विक के अंदर गिरावट आई. अभी आप देख रहे हो रेंज, इस रेंज का निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया बट बैंक निफ्टी ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है.
बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट दे सकती है। अभी करंट प्राइस है बैंक निफ्टी का 36,500 रुपीज, ब्रेकआउट है 36,750 रुपीज, तो मोस्ट प्रोबेबली कल वहां तक तो इजिली जा सकता है, वहां तक इजिली जा सकता है, फिर वहां पर छोटा सा पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। बट आप इस बात को याद रखिएगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर अब आ चुकी है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक फॉलोइंग रेंज आप लोगों को देखने को मिल रही है। फाइनली अगर इसके ऊपर निकल जाता है, इस पैटर्न के ऊपर निकल जाता है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, इस चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, तब बैंक निफ्टी और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। सो मेरे हिसाब से हमारे लिए कल बाय सेटअप है, बाय ऑन डिप्स की अब हमें स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है। जब तक मार्केट बुलिश में है तब तक बाय करते हैं, बट क्वांटिटीज प्लीज कम रखिएगा, ज्यादा हैवी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से सिनेरियोस चल रहे हैं हम लोगों को ज़ूम करके चलना है कि हम अपने प्रॉफिट्स जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसको सेफ रखें, लॉसेस को मिनिमम रखें, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बाइंग साइड में नहीं आ रहा, बट टेक्निकल एनालिसिस हमें बाय साइड दिखा रहे हैं, तो क्वांटिटी को कम करो बट ट्रेड जरूर लो, ठीक है। सो आई होप आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। 10 दिसंबर से हम लोग अपनी दोबारा सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग रिकमेंडेशन को, जो हम लोग पास्ट 2 साल से करते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने बीच में बंद कर दी थी, बट 10th या 13 दिसंबर से दोबारा स्टार्ट हो रही है। सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी जल्दी ही टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। आप लोग को हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप क्लियरली वहां पर जाकर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये था, और इसके अलावा हम वेबिनार्स और लेकर आने वाले, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो हमने बोले वेबिनार करा था, बहुत अमेजिंग गया था, बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा था, बहुत लोगों को पसंद आया था, एंड हमारी डेफिनेटली 100% रिफंड पॉलिसी भी थी, बट किसी ने भी रिफंड नहीं मांगा क्योंकि उन लोगों को हमारा कंसेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था गाइस। तो अगर हम दोबारा एक फ्लैग पैटर्न का वेबिनार करने वाले हैं, शायद इस संडे होगा या फिर नेक्स्ट सैटरडे होगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगे। जिन लोगों ने भी मिस करा है वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।